हाय गाइस, वेलकम टू अमन म्यूजिकल्स। मेरा नाम है अमन। आज की जो वीडियो रहेगी अगेन बिगनर्स के लिए रहेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक एवरेज बजट के अंदर एक अच्छा गिटार सर्च कर रहे हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं। तो मेरे माइंड में भी एक बहुत अच्छा मॉडल है जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए गिटार की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, जो गिटार मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ वो रहेगा गिब्स ब्रांड का, जो कि काफ़ी एक अच्छा ब्रांड माना जाता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के गिटार बनाते हैं काफ़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर, और ये बैग उसके साथ इंक्लूडेड रहता है। और बैग भी थोड़ा इनका अच्छा कुशनिंग वाला बैग है, पैडेड बैग है, ताकि गिटार को ट्रैवलिंग के टाइम पे कोई ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। काफ़ी अच्छा पॉकेट, काफ़ी बड़ा पॉकेट इसमें दिया गया है। तो हम गिटार को एक बार बैग से निकाल लेते हैं और गिटार के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, इस मॉडल का नाम है गिब्स G39M, जो काफ़ी अच्छा गिटार है। 39 inches के अंदर स्टैंडर्ड साइज रहता है, ये कंफर्ट साइज होता है काफ़ी प्ले करने के अंदर। काफ़ी अच्छा इसके अंदर काफ़ी फिनिशिंग का ध्यान दिया गया है। इसके अंदर देखिए एचिस बहुत सुंदर लगते हैं, साइड में एचिस बना रखा है इसके अंदर। सर्कल पे भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। इस तरह की कुछ इसकी ब्रांडिंग रहेगी, और बैक साइड पे ट्यूनिंग कीज भी इसकी रहेगी डाई कास्टिंग वाली, जो खराब होने के चांस बहुत कम होते हैं इसके। एंड अब एक एक करके सारे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, चलिए अब गिटार के बारे में बात करते हैं, क्यों मैंने इसको बेस्ट गिटार कहा इस बजट के अंदर बाकी गिटारों से। बिगनर्स के लिए गिटार क्यों अच्छा है, ये सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए वीडियो में आप बने रहिए। तो गाइस देखिए, गिटार परचेज करने टाइम पर आप जो सबसे पहले उसके अंदर देखेंगे वो देखेंगे वुड, कि उसका वुड किस क्वालिटी के अंदर है। तो इसके अंदर जो वुड यूज़ किया गया है ना, वो स्प्रूस वुड है, जो कि इस बजट के अंदर काफ़ी बड़ी बात है। स्प्रूस वुड के अंदर नहीं तो इस बजट के अंदर ज़्यादातर जो ब्रांड्स मैंने देखा वो लिंडन वुड का यूज़ करते हैं। यामा के 8 to 10,000 के गिटार स्प्रूस वुड के अंदर आते हैं। तो इस बजट के अंदर जो भी इसका प्राइस मैं आगे बताने वाला हूँ, इसमें आपको स्प्रूस वुड मिल रहा है, वो काफ़ी बड़ी बात है और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जितना अच्छा वुड रहेगा उतनी गिटार की ड्यूरेबिलिटी रहेगी, एंड इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो गाइस, बॉडी मटेरियल के बाद आपके गिटार में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो गिटार का फ्रेटबोर्ड और नेक रहता है, कि वो किस क्वालिटी में बना है। क्योंकि जो ज़्यादा चीपेस्ट गिटार आते हैं उनका नेक जो होता है वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का बना होता है, जिसमें इशू आता है, बार बार नेक बैंड हो जाता है या फिर उसमें बजिंग का इशू रहता है। जो गिटार लोग पहले से प्ले करते हैं उन लोगों से आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा इशू आता है वेदर चेंज होने पर भी। इस गिटार का जो फ्रेटबोर्ड है वो बना हुआ है रोजवुड के अंदर, जो काफ़ी ही बेटर माना जाता है, और इसका ब्रिज भी रोजवुड के अंदर है। रोजवुड के अंदर क्या है कि आपका जो नेक होता है वो प्ले करने में भी कंफर्ट रहता है और डिस्टेंस मेंटेन रहता है, बिगनर को डिफिकल्टी नहीं आती प्ले करने के अंदर। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर एक चीज़ और है, इसके अंदर ट्रस्ट रोड भी दिया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी कोई गिटार ले तो उसके अंदर ट्रस्ट रोड जरूर रहना चाहिए। ट्रस्ट रोड गिटार के यहाँ पे एक की लगने का यहाँ पे होल रहता है, इसके अंदर एक ट्रस्ट रोड रहता है। उसका काम ये होता है, जब भी आपके गिटार का नेक बैंड होता है, इसका स्पेस स्ट्रिंग्स के साथ ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो उसको दोबारा से। वो कभी कभी वेदर की वजह से भी हो जाता है, या फिर आपने गिटार को ट्यून छोड़ दिया काफ़ी टाइम तक, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। बट इस गिटार में ऐसी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका ट्रस्ट रोड जो नेक रहेगा वो दोबारा ट्रस्ट रोड के थ्रू एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस पॉइंट के लिए भी गिटार काफ़ी बेटर है। मुझे इस गिटार के अंदर जो एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है इसका ब्रिज पार्ट, क्योंकि मैं जब से इसको सेल कर रहा हूँ जिसमें मुझे आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है, वरना मैंने इस बजट के अंदर काफ़ी गिटारों में देखा है और आपने भी सुना होगा, जो गिटार का ब्रिज जो ये ब्रिज होता है ये उखड़ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ ग्लू से पेस्टिंग होता है। इस गिटार के अंदर खासियत ये है कि इसमें ग्लू पेस्टिंग के साथ साथ यहाँ पे देखिए दो पॉइंट नज़र आएंगे आपको ब्लैक से, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ग्लू के साथ साथ इसको स्क्रू से भी पेस्ट किया गया है, ताकि इसके उखड़ने के चांस ही ना रहे। तो मैंने बताया, मैं 5 से 6 साल या चार से पाँच साल से मैं इसको सेल कर रहा हूँ, अभी तक मेरे पास एक भी गिटार ऐसा नहीं आया जिसका ये उखड़ गया हो या मतलब पेस्टिंग खुल गई हो। और अदरवाइज़ मैं इस चीज़ की वारंटी भी देता हूँ 2 से 3 साल की। तो ब्रिज पार्ट की भी 2 साल की इस गिटार की वारंटी रहती है, अगर बाई चांस इसका 2 साल में कभी भी उखड़ता है तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वो ठीक हो जाएगा। और इसके जॉइंट्स की भी वारंटी रहेगी 2 साल की। ओवरऑल गिटार की 2 ईयर्स की वारंटी है, यहाँ तक इसकी जो कीज़ यूज़ की गई है ये डाई कास्टिंग है। डाई कास्टिंग कीज़ के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड रहता है, तो ये कभी भी जंग नहीं खाती है और स्मूथली चलती है। आप चाहे 4 साल के लिए भी गिटार को रख दो, आप जब भी गिटार को दोबारा यूज़ करेंगे तो आपको ये स्मूथ मिलेगी, ये जाम नहीं होगी, क्योंकि इसमें रश नहीं लगता है। डाई कास्टिंग कीज़ का यही फ़ायदा होता है। और ओवरऑल इस गिटार की 2 ईयर्स की वारंटी रहती है, मैं भी अपनी शॉप से 2 ईयर्स की इसकी वारंटी देता हूँ। इस प्राइस रेंज के अंदर ये सारी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो गाइस चलिए बात करते हैं प्राइस की, बट मैं चाहता हूँ उससे पहले मैं इस गिटार का आपको साउंड सुनाऊँ। मैंने गिटार को ट्यून कर लिया, तो हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे। कुछ भी मैं आपको एक ओपन कोर्ड्स ही प्ले करके दिखाता हूँ पहले।
कुछ लीड्स प्ले करेंगे। लीड्स में भी गिटार अच्छा है ये, और एक एक नोट देखो बिल्कुल क्लियर है, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल क्लीन नोट है। तो बिल्कुल एकदम क्लियर है इसके सारे नोट्स। तो फ्रेटबोर्ड काफी मेंटेन है इसका, कहीं भी बजिंग का साउंड नहीं है। तो गाइस फाइनली अब बात करेंगे इस गिटार के प्राइस की। मैंने इसका जो प्राइस है काफी ऑनलाइन वेबसाइट पे भी चेक किया था, जो कि मुझे 6500 टू 7000 तक मिला था। आप भी इसको चेक कर सकते हैं। जो मेरा यहाँ से सेल आउट करने का इसका प्राइस रहेगा वो रहेगा 5800, जिसमें मैं आपको इंक्लूडेड बैग साथ में भेजूंगा, एक स्ट्रिंग सेट और 5 to 6 प्लेक्ट्रम्स होंगे इंपॉर्टेंट, और जो बैग भी रहेगा वो भी कुशन वाला बैग होगा, पैडेड बैग, हल्का बैग नहीं होगा। पैडेड वाले बैग का ये फायदा रहता है कि आप गिटार को लेके कहीं भी ट्रैवल करते हो या फिर आप घर पे भी रखते हो, तो गिटार बाय चांस आपके हाथ से गिर जाता है कभी या रखा हुआ गिर जाता है, तो उसमें सेफ रहेगा, या ट्रैवल करते वक्त भी गिटार सेफ रहेगा, तो बैग वो काफी अच्छी चीज है। तो गाइस 3 कलर में ये गिटार मेरे पास अवेलेबल रहता है। जो मैंने हाथ में अभी पकड़ा हुआ इसको कहते हैं सनबर्स्ट कलर, दूसरा कलर इसमें आएगा ब्लैक, और तीसरा कलर होता है नेचुरल जो वुडन फिनिश में रहता है, और ये तीनों मैट फिनिश रहेंगे। तो गाइस इस प्राइस के अंदर जो ये सारी चीजें आपको मिल रही है ये काफी अच्छी डील रहेगी, इसलिए मुझे ये गिटार पसंद है बाकी दूसरे गिटारों से जो इस बजट के अंदर है। साउंड टेस्ट मैंने आपको करा ही दिया है, क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और बाकी किसी को भी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं नंबर हमेशा मेंशन करता हूँ, और जो भी मुझे पहले भी व्हाट्सएप आ रहे हैं लोगों के मैं उन सबके रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। बाय बाय।